नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जिग एंड फिक्सर। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मैं दो भागों में समझाने वाला हूँ। आज पहले भाग में इसके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाऊंगा। यह एक इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए भी है क्योंकि इसको कई सब्जेक्टों में पढ़ाया जाता है, जैसे कि टूल इंजीनियरिंग हो गया, मेटल कटिंग हो गया, मशीन टूल टेक्नोलॉजी हो गया और प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया। इन सभी सब्जेक्टों में जिग और फिक्सर को पढ़ाया जाता है। यदि आप इसके आज के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। अब चलते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द पर्पज ऑफ जिग्स एंड फिक्सर। पूछा जा रहा है कि जिग एंड फिक्सर का क्या पर्पज होता है, तो यहां पर कुछ ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले उनको समझ लेते हैं। जैसा कि पहले में लिखा हुआ है, इंक्रीज मशीनिंग एक्यूरेसी। इसका मतलब होता है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी पार्ट पर जब हम ऑपरेशन करते हैं जिग और फिक्सर की सहायता से, तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है फैसिलिटेट इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब इंटरचेंज हम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा है डिक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी को लाने के लिए जो हम एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती थी, जैसे हम कभी कभी मार्किंग भी करना पड़ती थी टूल को सही से रखने के लिए, उसकी पोजीशन देने के लिए, वह सब अब हमें नहीं करना पड़ता जब हम जिग और फिक्सर को यूज करते। तो तीनों ही हमें क्या होते हैं, तीनों ही पर्पज होते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एवव या दीज। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जिग और फिक्सर की दोनों को डिफाइन किया गया है। इनको आप अच्छे से याद रखना है क्योंकि डेफिनेशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले में लिखा है जिग्स आर यूज्ड। जिग का क्या यूज होता है, सिंपल भाषा में हमें याद रखना है कि जिग का यूज किया जाता है किसी भी हमारे वर्क पीस को होल्ड करने के लिए एंड गाइड करने के लिए। होल्ड एंड गाइड दोनों काम करता है कौन, जिग। तो यहां पर जो ऑप्शन दिख रहा होगा, फॉर होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल इन ड्रिलिंग रीमिंग टैपिंग ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन होते हैं इनमें क्या करता है, होल्ड मतलब पकड़ के रखता है ऑपरेशन करते समय, और गाइड भी करता है टूल को कि किस दिशा में जाना है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट में फिक्सर को डिफाइन किया गया, जिसमें पूछा जा रहा है फिक्सर का यूज क्या होता है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि जिग का यूज किया जाता है होल्ड करने के लिए एंड गाइड करने के लिए, दोनों के लिए, जबकि फिक्सर का यूज ओनली जो हमारा होल्डिंग होता है, जो हमारा वर्क पीस होल्ड होता है, या फिर जैसे बोलते हैं पकड़ना, ठीक है, सिर्फ एक काम के लिए यूज किया जाता है फिक्सर का, फॉर होल्डिंग एंड गाइडिंग द। पहले में लिखा हुआ है होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल इन ड्रिलिंग रीमिंग एंड टैपिंग ऑपरेशन, दूसरे में लिखा फॉर होल्डिंग द वर्क इन मिलिंग ग्राइंडिंग प्लानिंग टर्निंग, मतलब सेकेंड में लिखा सिर्फ होल्डिंग द वर्क। तो हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, बेसिक डिफरेंस याद रखना क्योंकि इसके आधार पर भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। जिग का यूज फिर से याद रख लें वर्क पीस को होल्ड एंड गाइड करने के लिए, जबकि फिक्सर का यूज ओनली होल्ड करने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है जिग्स आर हैवियर देन फिक्सर इन कंस्ट्रक्शन। जब हम जिग और फिक्सर का निर्माण करते हैं तो पूछा जा रहा है कि जिग होता हुआ है क्या फिक्सर से हैवी होता है, तो नहीं होता है। इसका आंसर है नो। तो बी पे मैं हाईलाइट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फ्लोटिंग पोजिशन ऑफ द होल्डिंग फिक्सर इन अ रोटरी ट्रांसफर डिवाइस इज यूज्ड। जो फ्लोटिंग पोजिशन होती है फिक्सर की, उस टाइम जो हमारी रोटरी ट्रांसफर डिवाइस होती है उसका यूज कब किया जाता है, तो उसका यूज किया जाता है जो ओवर इंडेक्सिंग है उसके टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए। हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ डायमंड लोकेटिंग पिन इज यूज्ड इन जिग एंड फिक्सर। जो डायमंड लोकेटिंग पिन है उसको जिग और फिक्सर में क्यों यूज किया जाता है, यहां पर है इसको क्या किया जाता है, सेंटर डिस्टेंस के लिए, कब सही से हमें टॉलरेंस रखना है और हमें किसकी हेल्प करने के लिए, असेंबली के टाइम हेल्पिंग के लिए। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इससे पहले मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, तो इसका सी वाला ऑप्शन में से करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इफ द डायमीटर ऑफ द होल, एक होल है उसका डायमीटर
इज सब्जेक्टेड टू कंसिडरेबल वेरिएशन, उसके डायमीटर में कुछ वेरिएशन है। देन फॉर लॉकेटिंग इन जिग एंड फिक्सर द प्रेशर टाइप ऑफ लॉकेटर यूज, उस होल को लॉकेट करने के लिए हमें किस टाइप के जो हमारे टाइप लोकेटर टाइप्स होते हैं तो किस टाइप के लोकेटर का यूज करते हैं, तो इसमें किया जाता है कॉनिकल लोकेटर का। कौन सा? कॉनिकल लोकेटर, मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन आपसे जब भी बनेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। हम इसकी जो दो भाग ला रहे हैं, कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन ला रहे हैं, जिग एंड फिक्सर से सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। सिर्फ आपको एक दिन में भी अगर 2 या 3 बार वीडियो रिपीट करके देख लेते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन बनने लगेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है जिग्स एंड फिक्सर आर यूज, जिग एंड फिक्सर का यूज कहां पर किया जाता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना, क्योंकि कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन भी अलग अलग रहते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ मास प्रोडक्शन, आइडेंटिकल पार्ट्स प्रोडक्शन और ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें जी, दोनों का मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। मास प्रोडक्शन आप जानते होंगे, एक जैसे हमें बहुत सारे पार्ट्सों का उत्पादन करना हो तो जिग और फिक्सर को हम एक ही बार में सेट कर देते हैं, एक ही बार में इसकी डिजाइन कर देते हैं, तो हम एक जैसे बहुत सारे पार्ट्स बना सकते हैं। आइडेंटिकल पार्ट्स प्रोडक्शन मतलब आइडेंटिकल, एक जैसे उसका मतलब होता है, दोनों का लगभग सेम सेम मतलब होता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था यूज ऑफ जिग्स एंड फिक्सर, फिर से देखो वही क्वेश्चन पूछा गया लेकिन ऑप्शन अलग है। जैसे कि पहले में लिखा फैसिलिटेट डेवलप डिप्लॉयमेंट ऑफ लेस स्किल्ड लेबर फॉर प्रोडक्शन, मतलब जो हमारी लेबर काम करती है अगर वो उसकी स्किल कम है, मतलब अगर जैसे पढ़े लिखे कम होते हैं और सिर्फ काम करते हैं जो लोग वर्कर होते हैं, वह भी क्या कर सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं, वहां पर हम जिग और फिक्सर का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा एलिमिनेट्स प्री मशीनिंग ऑपरेशन लाइक मार्किंग मेजरिंग लेइंग आउट, तो जो डायमेंशन होती है अगर हम जिग और फिक्सर का यूज नहीं करते थे तो वहां पर हम पहले से उसकी मार्किंग कर लेते थे उस पार्ट पर जिस पर हमें ऑपरेशन करना है, लेकिन जिग और फिक्सर का यूज करते तो हमें ऐसा जी मार्किंग मेजरिंग ये सब नहीं करना पड़ता, क्योंकि जिग हमारा ऑलरेडी हम उसको सेट करते हैं, उसकी मार्किंग के अकॉर्डिंग ही उसको बनाते हैं, तो हम डायरेक्ट उसमें मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट लोग रिड्यूस मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशन, जो हमारे मैनुअली हम पहले उसकी मैनुअली मतलब होता है हम पहले से उसकी कुछ इंस्ट्रक्शन डायमेंशन वगैरह लेके रखते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग उस पर ऑपरेशन करते हैं, तो उसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा कह सकते हैं वह भी कम हो गया। तीनों ही में हम यूज करते तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ जिग, जिग के क्या फंक्शन है, जिग के याद रखें यह होल्ड भी करता है वर्कपीस को, मतलब पकड़कर भी रखता, गाइड भी करता मतलब दिशा निर्देश भी देता है, और लोकेट भी करता कि ऑपरेशन कहां पर करना है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां तीन तीन ऑप्शन दिए, तीनों में इसका यूज किया था, ये क्वेश्चन पलट के कई बार सिंगल सिंगल पर भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा जिग आर नॉट यूज, जिग का कहां पर यूज नहीं किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता, तो जिग का यूज हमेशा रखें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मिलिंग ऑपरेशन में नहीं किया जाता है, तो इसको भी आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फिक्सर आर यूज इन, फिक्सर का कहां पर यूज किया जाता है, तो फिक्सर का मिलिंग में भी यूज किया जाता है, शेपिंग में भी यूज किया जाता है और टर्निंग में भी यूज किया जाता है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। यहाँ पर हमने एक नोट लगा रखा है, यदि आप टूल इंजीनियरिंग की कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ चाहते हैं लगभग 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो आप उसको खरीद सकते हैं। यहाँ पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर संपर्क करके यहाँ पर उसकी हमने प्राइस रखी है 50 रुपए, तो 50 रुपए में लगभग 400 से अब क्वेश्चन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, हिंदी और इंग्लिश में। जिस तरह की यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है सभी क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ, मतलब किसका प्रिंसिपल है जो बोलता है इन ऑर्डर टू अचीव द मैक्सिमम एक्यूरेसी, मतलब हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए इन लोकेटिंग द लोकेटिंग पॉइंट्स, जो हमारे लोकेटिंग पॉइंट हैं शुड देयरफॉर बी प्लेस्ड एज फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एंड इट्स पॉसिबल, मतलब उनको एक दूसरे के करीब इतना रखें कि एक्यूरेसी अच्छी आए। ये किसका प्रिंसिपल था, तो ये था एक्सट्रीम पोजिशन, इसका होता है एक्सट्रीम पोजिशन, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा था फॉलोइंग होल्ड्स द वर्क पीस सिक्योरली इन जिग एंड फिक्सर अगेंस्ट द कटिंग फोर्स, कटिंग फोर्स के अगेंस्ट कौन सी जो पार्ट्स होते हैं या जिन्हें क्या बोला जाता है,
जो वर्क पीस को होल्ड करके रखते हैं, किसमें? जिग और फिक्सर में। याद रखें, कटिंग फोर्स के विरुद्ध जिग और फिक्सर में वर्क पीस को होल्ड करके रखते हैं, उन डिवाइस को क्या बोला जाता है? तो उन डिवाइस को बोला जाता है क्लैंपिंग डिवाइस। क्या बोला जाता है? क्लैंपिंग डिवाइस। हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग डिवाइस। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग डिवाइस है, उनको बनाने के लिए हम किस मटेरियल का यूज करते हैं कॉमनली? तो ये होता है हाई कार्बन स्टील। कौन सा होता है? हाई कार्बन स्टील। हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, फॉलोइंग टाइप ऑफ जिग, टाइप जिग के टाइप के ऊपर क्वेश्चन याद रखें, किसके? जिग की। इज यूज फॉर मशीनिंग इन मोर देन वन प्लान। एक प्लान से अधिक पर मशीनिंग करने के लिए हम किस टाइप के जिग का यूज करते हैं? तो हम करते हैं बॉक्स टाइप के जिग का। किसका? बॉक्स टाइप के जिग। मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग टाइप ऑफ जिग सूट बेस्ट फॉर ड्रिलिंग ऑफ होल्स इन होलो सिलिंड्रिकल कंपोनेंट विद रिलेटिव स्मॉलर आउटसाइड एंड इनसाइड डायमीटर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कोई एक होलो कंपोनेंट है, उसमें हमें इनसाइड एंड आउटसाइड स्मॉल होल करना है, और किसके साथ? बुशेस के साथ। उसमें किस टाइप के जिग का यूज हम करते हैं? तो यह होता है पोर्ट टाइप जिग। कौन सा? पोर्ट टाइप जिग। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, फॉलोइंग टाइप ऑफ जिग यूज टू ड्रिल अ सीरीज ऑफ इक्विडिस्टेंट होल अलोंग अ सर्किल। एक सर्किल के अनुसार हमें क्या करना है? इक्विडिस्टेंट मतलब एक बराबर डिस्टेंस पर एक साथ क्या करना है? बहुत सारे होल करना है। तो उसके लिए हम कौन सी जिग का यूज करेंगे? तो इसके लिए हम करते हैं इंडेक्सिंग जिग। कौन सी? इंडेक्सिंग जिग। कौन सा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, दिस टाइप ऑफ जिग इज एम्प्लॉयड ऑन मल्टी स्पिंडल मशीन। मल्टी स्पिंडल मशीन पर हम किस टाइप की जिग का यूज करते हैं? मल्टी स्पिंडल मशीन पर हम करते हैं मल्टी स्टेशन जिग का। कौन सा? मल्टी स्टेशन जिग का। मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग जिग कैन बी यूज फॉर सेवरल डिफरेंट वर्क पीसेस एंड ऑपरेशन। किस टाइप के जिग का हम यूज करते हैं? डिफरेंट वर्क पीस पर और हमारे अलग अलग टाइप के ऑपरेशन पर। तो यह जो जिग होता है जिसका हम अलग अलग वर्क पीस पर यूज कर सकते हैं और अलग अलग ऑपरेशन के लिए, वह होता है यूनिवर्सल जिग। कौन सा होता है? यूनिवर्सल जिग। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन चारों क्वेश्चन के आंसर मैं बता चुका हूं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जिग एंड फिक्सर का कंस्ट्रक्शन किसके थ्रू किया जाता है? मतलब जिग और फिक्सर को कैसे बनाया जाता? तो हम कास्टिंग के थ्रू भी बना सकते हैं, फैब्रिकेशन के थ्रू भी बना सकते हैं, वेल्डिंग के थ्रू भी बना सकते हैं। तीनों ही आप जानते होंगे कैसे, क्या वेल्डिंग क्या होती, फैब्रिकेशन क्या होता और कास्टिंग क्या होती। तीनों के थ्रू बना सकते हैं, तो हम डी वाला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, जिग्स एंड फिक्सर आर, जिग और फिक्सर कैसे टूल्स हैं? तो इसको मैं इसका आंसर बताना चाहूंगा। ये जो जिग और फिक्सर होते हैं, ये एक्यूरेसी के साथ क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है प्रिसीजन टूल्स। कौन सा बोला जाता है? प्रिसीजन टूल्स। हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, फिक्सर्स आर यूज्ड इन कनेक्शन विद, फिक्सर का यूज किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? यहाँ पर जो ऑपरेशन दिए उनके अकॉर्डिंग हम बताना। तो फिक्सर का यूज किया जाता है मिलिंग ऑपरेशन के लिए। किसके लिए? मिलिंग ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच टाइप ऑफ जिग इज यूज टू एक्यूरेट ऑपरेशन। ऐसे मतलब किस टाइप के जिग का यूज किया जाता है एक्यूरेट ऑपरेशन के लिए? फिटेड अबव द जॉब, ए वाला पॉइंट याद रखें, जो जॉब के ऊपर फिट होता है और इसमें क्लैंपिंग डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा किस टाइप का जिग होता है जो वर्कपीस के ऊपर ही फिट हो जाता है और जिग की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो ये होता है टेम्पलेट जिग। कौन सा? टेम्पलेट जिग। कौन सा? हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, विच टाइप ऑफ जिग यूज फॉर थिन एंड सॉफ्ट जॉब। कोई हमारा वर्कपीस है जो पतला है और सॉफ्ट है, उसके लिए हम किस टाइप के जिग का यूज करते हैं? तो ये करते हैं सैंडविच। यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन लिखा हुआ है वह सही आंसर है। तो इस तरह इन सभी चार से पांच क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन विच जिग मशीनिंग ऑफ ऑल सरफेस ऑफ द जॉब बिकम पॉसिबल विदाउट चेंजिंग द जॉब पोजिशन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अगर किसी हम जॉब पर ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी पोजिशन को चेंज किए बिना हम उसकी सर्फेस पर मशीनिंग कर सकते हैं, ये किस टाइप के जिग में पॉसिबल है? वह होता बॉक्स जिग। कौन सा? बॉक्स टाइप का जिग होता है, उसमें ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इजी लोडिंग एंड अनलोडिंग इज पॉसिबल इन विच जिग। किस टाइप के जिग में हम आसानी से जो हमारा वर्कपीस होता है उसको लोड और अनलोड कर सकते हैं?
यह किया जा सकता है किसमें, लीफ जिग में, किसमें लीफ जिग, मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच जिग इज यूज फॉर मशीनिंग द जॉब एट 90 डिग्री टू इट्स माउंटिंग लोकेटर्स, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस टाइप का जिग होता है इसका उपयोग किया जाता है जो हमारा वर्क पीस होता है उसको 90 डिग्री के जो लोकेशन पे है रखकर। तो ये हमारा जो होता है वह होता है एंगल प्लेट जिग, किसको, एंगल प्लेट जिग हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा हमारा विच जिग इज यूज फॉर मशीनिंग एट एनी एंगल अदर देन दे 90 डिग्री माउंटेड लोकेटर, मतलब ऐसा किस टाइप का जिग होता है जिसमें 90 के अलावा अदर पोजिशन में उसमें क्या कर जिग का यूज किया जाता है, तो मशीनिंग के लिए। तो जिग ये जो होता है जो टाइप का होता है उसको बोला जाता है मॉडिफाई एंगल प्लेट जिग, कौन सी, मॉडिफाई एंगल प्लेट जिग जिसका अदर देन 90 के अलावा हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा जिग एंड फिक्सर इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द पार्ट्स, जिग और फिक्सर क्या पार्ट्स की एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं, इसकी बात सत्य है कि हाँ करता है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमने बताया था 30 क्वेश्चन समझाने वाला हूँ लेकिन थोड़ा समय है तो 5 क्वेश्चन और बढ़ा रहा हूं, तो इस तरह मैं 35 क्वेश्चन समझा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये हमारे आज की लास्ट क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन और हैं तो हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 31 क्वेश्चन में लिखा है इन विच टाइप ऑफ जिग एट डिफरेंट स्टेशन डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशन पॉसिबल एट सेम टाइम, एक ही टाइम में पूछा जा रहा है जो डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं अलग अलग पोजिशन पे, तो वह किस टाइप के जिग में कर सकते हैं। इसके लिए किया जा सकता है हमारा मल्टी स्टेशन जिग, कौन सा, मल्टी स्टेशन जिग, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन जिग एंड फिक्सर, जिग और फिक्सर को डिजाइन करने के लिए हमें किस टाइप के की सोच रखते हैं या डिजाइनिंग करते हैं, तो ये होती है मेथड ऑफ लोकेटिंग जॉब, जॉब को लोकेट करने के लिए हम सोचते हैं, क्लैंपिंग मेथड कि उसको कैसे क्लैंप करेंगे, प्रोवाइड रिलेटिव पोजिशन टू कटिंग टूल, कटिंग टूल के साथ हम कैसी पोजिशन रहेगी विथ जॉब के साथ, हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब तीनों के बारे में हम सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा फैक्टर अफेक्टिंग फॉर डिजाइनिंग जिग एंड फिक्सर, जिग और फिक्सर की डिजाइनिंग करते समय कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, तो टाइप ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन भी अफेक्ट करता है, एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है वह भी अफेक्ट करता है, टाइप्स ऑफ मशीन टूल ये भी अफेक्ट करते हैं, मतलब इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हमें इसकी डिजाइन करना पड़ती है, हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा स्पेसिफिक डिजाइन कंसिडरेशन फॉर लेथ फिक्सर, जो हमारा लेथ फिक्सर है उसके लिए स्पेशल डिजाइन कंसिडर करते हैं, उसके लिए कौन कौन से पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो जॉब शुड बी क्लैम्प्ड प्रॉपरली, जॉब सही से उस पर क्या हो जाए क्लैम्प हो जाए, फिक्सर शुड बी रिजिड, मतलब एकदम रिजिड हो, और एक्यूरेटली बैलेंस और बैलेंस बना के रखे, तो तीनों टाइप की हमें सोच रखना पड़ती है लेथ मशीन के फिक्सर के लिए, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा स्पेसिफिक डिजाइन कंसिडरेशन फॉर ग्राइंडिंग फिक्सर, ग्राइंडिंग के लिए जो फिक्सर डिजाइन करते हैं उसके लिए कौन कौन सी डिजाइनिंग कंसिडरेशन होने चाहिए, होना चाहिए इन लाइट वेट, मतलब वेट कैसे होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए, एकदम टाइट होनी चाहिए, पॉसिबल हो सके, और बैलेंस की बात है तो बैलेंस इसमें भी होना चाहिए, यूज सूटेबल गार्ड, गार्ड के साथ सूटेबल होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इस तरह आज के 35 क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें, और पीडीएफ खरीदना चाहते तो आप खरीद सकते हैं, हमने ऊपर स्टार्टिंग में देखा था, व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर संपर्क करके। थैंक यू फ्रेंड्स।